प्रणाम भक्तगण, मैं आशुतोष पांडे, YouTube के सर्वश्रेष्ठ भक्ति में चैनल भक्ति महिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2018 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आप इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकेंगे? क्या इस वर्ष आपको मनोवांछित फल मिलेगा? इस वर्ष कामयाबी और समृद्धि पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? इन सब सवालों के उत्तर मिलेंगे आपको 2018 के राशिफल में। भक्तों, आज हम अपने इस अंक में जानेंगे कि साल 2018 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष बेहद अनुकूल नजर आ रहा है। इस वर्ष आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी और आर्थिक मामलों में भी आपको आशानुरूप परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या कहते हैं 2018 में आपके सितारे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वाहन को चलाने में सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाती है। राहु की पंचम भाव में उपस्थिति आपको पेट संबंधी परेशानियां दे सकती है। यदि आपको पहले कोई हृदय संबंधी तकलीफ है या पेट में गैस की प्रॉब्लम है तो इस समय वो आपको कुछ परेशान कर सकती है। खान पान पर संयमित रखकर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। सितंबर के बाद स्वास्थ्य में बढ़ोतरी दिखने को मिलेगी। इस साल आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। ऐसा करके आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। इस साल शिक्षा में कुछ वरदान आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अध्ययन के प्रति थोड़ा भी लापरवाही वाला भाव ना रखें। खासकर जब परीक्षा का समय नजदीक हो तो उस समय स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। अतः न केवल पूरे वर्ष निष्ठापूर्वक अध्ययन करना है बल्कि परीक्षा के समय विशेष सावधानी रखनी है। हालांकि शोध के विद्यार्थियों के लिए वर्ष अनुकूलता दे सकता है। सितंबर के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाला है। धन की निरंतरता में बाधा आने का संकेत मिल रहा है, लेकिन आपके फेवर की बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। यानी ये वर्ष आर्थिक मामलों की स्थिति में बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, अर्थात आर्थिक मामलों के लिए ये साल औसत परिणाम देने वाला रहेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि इस साल आपको अचानक धन प्राप्ति होने के योग भी हैं। बृहस्पति और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है, अतः प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि निवेश करने से पहले गहरा चिंतन मंथन करना भी जरूरी रहेगा। ये साल प्रेम संबंधों के लिए सामान्यता अच्छा रह सकता है। दरअसल लग्नेश गुरु आपके लाभ भाव में रहकर आपके प्रेम और दाम्पत्य को हर जगह से सितंबर तक सुरक्षित बनाए रखने का वादा कर रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आने के योग बन रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा दृष्टि सब कुछ संतुलित बनाए रखेगी। फिर भी आपको बेवजह की जिद से बचना होगा और साथ ही के स्वास्थ्य व भावनाओं का पूरा ख्याल रखना होगा। साल के आखिरी महीने में आपको विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। उस समय बात का बतंगड़ ना बनाएं। यदि सगाई या विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हो तो वर्ष के आरंभ से सितंबर के बीच कार्य कर लेना उचित रहेगा। व्यापार के लिए ये साल समान रूप से अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस साल लाभ मिलने के अच्छे योग बने हुए हैं। तो स्वाभाविक है, काम धंधा अच्छा चलेगा तो लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी पेशा को प्रमोशन मिलने व इंक्रीमेंट मिलने के योग हैं। यदि ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वर्ष के अंत में ये कामना भी आपकी पूरी हो सकती है। हालांकि शनि की कर्म स्थान की दृष्टि आपको आगाह कर रही है कि कामों को पूरा होने में थोड़ा वक्त अधिक लग सकता है, अतः एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना ही उचित रहेगा। उपाय के रूप में आपको शनि की शांति का विशेष अनुष्ठान कराना चाहिए व नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करें। तो भक्तों, ये था हमारा आज का अंक जिसमें हमने जाना कि साल 2018 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो पर लाइक करें तथा इस पर कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे भक्ति में चैनल भक्ति महिमा को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे और रोचक विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।